हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो दोस्तों? ये आज की वीडियो मतलब पाई की जो KYC है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहले यहाँ पे आया करता था यहाँ पे KYC का ऑप्शन, अभी यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि मतलब हमें तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपने इस पर जाना है, 3 डॉट पर जाना है, ठीक है, इस तरह। तो ये मतलब सबसे पहले तो ये वीडियो अभी मैं सिर्फ KYC पर बना रहा हूँ, ठीक है। ये पाई ब्राउज़र ये इस पर अगर आप जाए, आप यहाँ पे जाए इस ऑप्शन पे, ठीक है, मिनट पे अगर आप जाए, ठीक है, तो मिनट पे ये मिनट चेक लिस्ट पे अगर आप जाए इस तरह, तो ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 तक अगर आपने किया हो ये, ठीक है। तो ये अगर आपने नहीं किए तो नीचे कमेंट्स करके फिर मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं ये जो है पॉइंट 6-7 ये जो KYC का है, ठीक है, इस पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपका हुआ है तो ये KYC को आपको कोई प्रॉब्लम है मतलब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने बैक आना है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप फिर ये 3 डॉट पर क्लिक करें, ये पाई यूटिलिटीज पे अगर आप क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये KYC का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस पर आप क्लिक करें इस तरह, तो अभी आप देखें ये ब्राउज़र जो है पाई ब्राउज़र, वो तो आपको पता है, अगर आपने मतलब किया है यहाँ तक तो आपने वो भी डाउनलोड किया होगा, उस पर वॉलेट भी बनाया होगा, तो उसको इसके साथ कनेक्ट भी किया होगा। तो अभी इस पर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये मेरा वाला स्टेटस, ठीक है, ये स्टेटस मेरा देखिए, योर एप्लीकेशन स्टेटस KYC पास्ड, KYC पास्ड, यू KYC एप्लीकेशन इज कम्प्लीट एंड अप्रूव्ड, ठीक है, मेरा मतलब हुआ है, क्लियर है मेरा, ठीक है। तो फिर मैं बैक आता हूँ, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्राउज़र है मतलब बाकी तो आपने किया होगा सब कुछ हो, तो ये वीडियो सिर्फ KYC पर है, ठीक है। तो अभी मैंने इस पर पहले से वीडियो बनाई हुई है जो मैंने खुद की हुई है पहले, ठीक है। तो वो वीडियो में अभी आपको मतलब दिखाता हूँ कि आपने किस तरह KYC करना है। जब आप ये KYC पे इधर भी क्लिक करें, ठीक है, तो आपके लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ डिटेल से, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी KYC करनी है इस पर, सही। तो इस तरह का फॉर्म आपके साथ ओपन हो जाएगा, ये मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। ये टाइप ऑफ सेलेक्टेड कंट्री, इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने पाकिस्तान देना है, मतलब जो भी कंट्री से हो आप, इंडिया या बांग्लादेश, पाकिस्तान, मतलब जो भी है आपने वो देना है, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो ये नीचे जो मतलब ये टाइप आपने क्या देना है, ड्राइवर लाइसेंस पे करना है, ID पे कार्ड पे जो भी है, ठीक है। तो मैंने नेशनल ID कार्ड दिया। तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन है ये आप देख ले, जिसको मैं कर रहा हूँ, आई एग्री पे आपने क्लिक करना है, सबको इसको टिक करना है, तो लेट्स गो पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट इस पर इस तरह क्लिक करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई KYC। ये देखे अभी ये आपसे क्या कहेगा, पहला जो है 1/3, ठीक है। तो आपने अपने शनाख्ती कार्ड का यहाँ पे अपना पिक्चर देना है, पहले फ्रंट का देना है फिर बैक का देना है। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गुड बेड, गुड मतलब क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। और ये नीचे बेड का आपको बोला है, तो ये आपने इसको देखना है, तो ये I am ready पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो I am ready पे क्लिक करके इसको अलाउ करना है, I am ready पे क्लिक करना है, फिर ये 8 front photo पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अपने पहले फ्रंट का इस तरह जो मैं दे रहा हूँ इस तरह आपने फ्रंट का पिक्चर उसको देना है, ठीक है। तो पिक्चर आपने टेक करना है, ठीक है। तो ये नीचे जो है 8 back photo पे आपने क्लिक करना है दोबारा, ठीक है। तो फिर उसका बैक देना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप जो है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले देना है फर्स्ट नेम, जो आपके शनाख्ती कार्ड पे जो नाम है, ठीक है, वो देना है। तो यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, जिस तरह मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मोहम्मद। और अगर आपका मतलब कोई मिडिल नेम है वो देना है, लास्ट पे रेहान, मेरा मोहम्मद रेहान है, ठीक है। तो ये जेंडर पे मेल फीमेल जो भी है वो करना है। फिर ये डेट ऑफ बर्थ देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ID कार्ड का नंबर देना है, ठीक है। तो उसका जो उसके बाद एक्सपायरी डेट है उसका देना है, जो आपके ID कार्ड का एक्सपायरी डेट है वो देना है यहाँ पे, ठीक है।
तो नीचे ये जो ऑप्शन है माई आईडी कार्ड डज नॉट हैव एक्सपायरी डेट, मतलब जो जो बंदे बूढ़े हो जाते हैं, मतलब जिसका उसका एक्सपायरी डेट नहीं होता है, तो अगर आपका एक्सपायरी डेट नहीं है तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये कंट्री पाकिस्तान आपने देना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ये नीचे एड्रेस लाइन वन जो आपके एड्रेस है शनाख्ती कार्ड पे वो देना है यहाँ पे, सही। तो नीचे भी एड्रेस लाइन टू में वही सेम एड्रेस आपने देना है, ठीक है। ऐसी लाइन वन एड्रेस को आपने कॉपी करना है, ठीक है। तो ये नीचे लाइन टू पे इसको पेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सिटी देना है, बनो में बनो से हो, ठीक है। तो ये स्टेट प्राविंस मैंने तो यहाँ पे केपीके दिया है, लेकिन आपने अगर केपीके से हो तो आपने पूरा ही लिखना है, एक खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से जो हसे भी हो। तो नीचे ये जिप कोड है, ठीक है। तो जिप कोड को अगर आपको पता नहीं है तो आप जैसे तो आप इस तरह गूगल पे जाए और उसका नाम वहाँ पे लेके कि मतलब बनो जिप कोड, तो वो आपको आ जाएगा उधर। तो वो आपने देना है जिप कोड, हर किसी को पता भी है मेरा बनो का 28010 है, तो वो मैंने दिया। तो ये नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। तो ये उसके बाद ये आपसे अभी मतलब जो फेस है वो आपसे लेगा, ठीक है। तो गुड एग्जांपल, ठीक है, और बेड एग्जांपल, ये ऊपर वाला जो है इस तरह मतलब साफ़ होना चाहिए और ना कोई कवर हो, टोपी कुछ भी ना हो, ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपका फेस। और आपने जो ब्राइट है अपने मोबाइल का ब्राइट जो है उसको आपने फुल करना है, ठीक है। तो जब वो आप सब कुछ कर ले तो ये आई एम रेडी पे आपने क्लिक करना है, सही है। तो आई एम रेडी पे क्लिक करें इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे इस तरह आपने अपना फेस लाना है ये गोल लाइन के बीच पे, ठीक है। तो यहाँ से आपसे मतलब ये टेक फोटो का कहेगा, अभी आपने फिर रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, अभी आपसे कहेगा कि स्माइल करे, तो आपने थोड़ा सा हंसना है जो भी है, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, आपका भी इस तरह जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, टोटल फॉर्म जो है आपने इसको देखना है, नाम सब कुछ देखना है कि मतलब ठीक मैंने दिया है, कोई गलती तो नहीं है, सब कुछ करना है। ये नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। थोड़ा सा ये लोड भी लेगा अभी, सही है। तो ये यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मतलब सब कुछ ये खुद ले लेगा, आपको मतलब यहाँ पे दिखाएगा आपका पिक्चर शनाख्ती कार्ड पे भी, और आपने जो अभी लिया है वो भी दिखाएगा। तो सबमिट इन पे पे आपने क्लिक करना है, ये नीचे जो लिखा है, ठीक है, सबमिट इन पे पे, ठीक है। तो ये यस डेटा इज एक्यूरेट, मतलब ठीक है, तो उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये थैंक यू कंग्रेचुलेट ये आपको लिख जाएगा, मतलब आपका अभी जो फॉर्म है ये उधर चले जाएगा, ठीक है, उसके मतलब वेरिफिकेशन पे। तो आपने इसका वेट करना है, जब इसका क्यों मतलब वेरीफाई हो जाएगा तो वो मैं आपको अभी चलते फिर से उसी पाई पे, उसको मैं उधर में आपको वो फिर से मैं आया हूँ अपने एप्लीकेशन पे, क्योंकि वो वीडियो जो थी वो मैंने पहले बनाई हुई है, ठीक है। तो आपने ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, ये मिनट पे जाना है, ठीक है, ये मिनट चेकलिस्ट पे जाना है, ठीक है। तो ये अभी जो है ये पांच नंबर छः नंबर पे सबमिट योर KYC एप्लीकेशन हो, ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये कंप्लीट लिख जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सात नंबर पर जो है, सात नंबर पर ये जब मतलब वो क्लियर हो जाएगा, मतलब अगर कोई उसमें कोई मतलब इशू आया, कोई चीज़ में गलती है, कुछ भी है, तो यहाँ पे ये फिर से रेड हो जाएगा, आपसे बोलेगा कि मतलब उस पर आपने क्लिक करना है, उधर आप चले जाओगे, वो आपको बताएगा कि इसमें आपके नेम में गलती है या फोटो में या क्लियर नहीं या जो भी है, तो आपने दोबारा उसको चेंज करना है। पहले तो इंशाल्लाह नहीं होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह आपने क्लियर सब कुछ क्लियर ही करना है। तो जब वो सब कुछ हो जाए, ठीक है, तो ये सात नंबर वाला जो है, सॉरी ये आठ नंबर वाला, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, तो ये सात नंबर ये कम्प्लीट आ जाएगा, ये जो कम्प्लीट का है ये इस तरह कम्प्लीट सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो सात ये आठ नंबर पे आपने सिर्फ क्लिक करना है इस तरह, ठीक है। जब इस पे आप क्लिक करें, ये अभी देखें, इसको मैं इस तरह नीचे लेके जाए इसको, ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये अभी ख़त्म हुआ ना नीचे तक, तो यहाँ पे आपको डन का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ उस पे आपने क्लिक करना है इस तरह, क्लिक, ये जो सुरख, ये जो रेड है, ये जो क्लिक होता है, ये इस तरह आपने उस पे क्लिक करना है, तो बस ये हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, इसमें कोई नहीं है।
तो ये उसके बाद जो ये नीचे लास्ट वाला जो ये वाला जो ये माइग्रेट वाला, ठीक है, ये खुद बहुत ही हो जाएगा, ये खुद होता है, ये खुद करते हैं। ये यहाँ पे अगर आप आ जाए ये माइग्रेट का, यहाँ पे जब आपके वॉलेट पे मतलब माइग्रेट हो जाएंगे आपके मतलब जो पाई है, ठीक है, तो ये माइग्रेट खुद यहाँ पे वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे 102 पाई उधर माइग्रेट हुई है, मतलब माइग्रेट का मतलब ये है कि मेरे वॉलेट पे गई है, मेरे वॉलेट में अभी पड़े, ये अभी ट्रांसफ़र पे आए जो है 6.30 ट्रांसफ़र पे अभी पड़े, तो ये ट्रांसफ़र से माइग्रेट पे चले जाएंगे। ये अन वेरीफाइड है, अभी तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसमें कुछ मेरे वाले कुछ मेरे जो रिफरल है उसके भी ये, तो मेरे रिफरल में एक दो बंदे का KYC नहीं हुई है अभी तक। जब उसकी KYC हो जाएगी तो तब भी ये मुझे यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ ट्रांसफ़र पे आ जाएंगे, यहाँ मार्जिन पे माइग्रेट पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपको अगर कोई बाकी कोई इशू है तो आप ये नीचे कमेंट्स मुझे कर ले, जो भी इशू है इंशाल्लाह मैं हर चीज़ पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर एक ही बंदे को इशू है वो भी मुझे कमेंट्स कर ले, मैं उस पर भी इंशाल्लाह उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, ठीक है। तो बाकी ये एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आपको आ रही है इसको भी आप देखा करें, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, ये सारे वेरीफाइड एप्लीकेशन है। और जो मेरे टेलीग्राम चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पड़े हैं, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे अगर आपके पास कोई अच्छा सा इंफॉर्मेशन हो, कोई एप्लीकेशन हो, उसको शेयर किया करें ताकि लोग उसको ज्वाइन किया करें, ठीक है। तो बाकी ये यूट्यूब चैनल तो आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी मालूमात हो आपको आ जाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।